Hey guys, welcome to Indian Talk. आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ Royal Enfield Classic 350 Redditch ABS के बारे में. Guys, Indian market में इस गाड़ी को launch कर दिया है ABS के साथ में. अभी तक इस गाड़ी को अपन use करते आ रहे थे, reason बनता था इस गाड़ी का कलर. जो तीन ही कलर इस गाड़ी के अंदर आते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे अट्रैक्टिव हैं. इसका रिव्यू आप चैनल पे ऊपर जो है देख सकते हैं. साथ ही गाड़ी को जो है अब लॉन्च कर दिया है ABS के साथ में. तो अब ये कंप्लीट बाइक्स हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट सभी बाइक्स के अंदर अब जो है रॉयल एनफील्ड की ABS अपने को इंडियन मार्केट में अवेलेबल. तो 2018 के अंदर ही रॉयल एनफील्ड ने अपनी सभी बाइक्स के अंदर जो है सेफ्टी फीचर इक्विप कर दिए हैं. ऐसा अब कोई बाइक नहीं बची है रॉयल एनफील्ड की जिसके अंदर ABS आना है वाला है. बुलेट वगैरह सभी चीज जो गाड़ियां हैं वो अपडेट हो गई है. प्राइस जो है 6,000 रुपए ही बढ़ाई गई है, जो कि काफी अट्रैक्टिव प्राइस है. ऑलमोस्ट जितनी भी गाड़ियां रॉयल एनफील्ड की अपडेट हुई थी ABS से, उन सभी के अंदर जो है 12,000 से 15,000 रुपए प्राइस हाइक हुई थी. रेडिज एडिशन के अंदर जो है 6,000 रुपीज ही प्राइस हाइक हुई है, और जो प्राइस है 1,53,000 रुपीज है एक शोरूम दिल्ली, जो कि काफी अट्रैक्टिव प्राइस है. और ये डायरेक्ट राइवल रहेगी जावा बाइक्स की. स्पेक्स की बात की जाए तो 346cc का एयर कूल सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि अपन यूज कर रहे आ रहे हैं. 19 bhp की पावर, 28 Nm का टॉर्क, 5 speed का मैनुअल गियर बॉक्स, और फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक्स, और रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर. सभी चीजें जो है सेम है, और कुछ भी चीजें जो है डायमेंशन वाइज अपडेट नहीं हुई है. सो गाइस, ये थी अपडेट 2019 या बोल सकते हैं 2018, मतलब 2019 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 2019 में कोई अपडेट नहीं आने वाले हैं. सभी अपडेट जो है होने वाले थे वो हो गए हैं. सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर देना, ताकि रोज ऐसे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे और कोई भी वीडियो जो है आप लोग मिस ना करें. सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू टुमारो नेक्स्ट वीडियो. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.